ऊर्जा कॉम्प्लेक्स में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। विपक्ष के साथ साथ तमाम समाज सेवी संगठन संस्थाएं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का समर्थन करने पहुंच रहे हैं, लेकिन आज भाजपा के प्रतिनिधि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के जुझारू जिला अध्यक्ष विवेक बट्टी साहू हड़ताल स्थल पर पहुंचे। हड़ताल स्थल के पंडाल के नीचे जैसे ही भाजपा के जिला अध्यक्ष विवेक बट्टी साहू पहुंचे, तमाम महिलाओं ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। विवेक बट्टी साहू ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों ने हर समय हर सरकारी कार्यक्रमों योजनाओं का सही क्रियान्वयन किया है। आपकी पीड़ा हम सब और हमारी सरकार भी जानती है। कोरोना की परिस्थिति के चलते शायद अभी आशानुकूल वातावरण नहीं बना है, लेकिन जल्द बन जाएगा। भाजपा जिला अध्यक्ष ने हड़ताली महिलाओं से ज्ञापन लेने के बाद कहा कि सरकार तक उनकी जायज मांगों को पहुँचाएंगे। उसे बुलाया नहीं जा सकता है। आप लोग आभार के पात्र हैं, मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और यह आपकी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाऊंगा। एक अभी आवाज की बात मेरे भाई कर रहे थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सभी को यह हक दिया है कि किसी का पक्का मकान, कोई झोपड़ी, किसी का कच्चा मकान है तो वो सारे पक्के मकान बना के हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी देंगे और किसी का भी कच्चा एक मकान रहने नहीं दिया। हम खड़े हैं छिंदवाड़ा के जेल बगीचा कॉम्प्लेक्स में, जो हड़ताल स्थल के रूप में जाना जा रहा है। यहाँ सहकारिता समिति की हड़ताल चल रही है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल चल रही है, 18 दिनों से हड़ताल चल रही है। विपक्षी संगठन भी पहुँचे हैं, स्वयंसेवी संगठन भी पहुँचे हैं, सारे लोग समर्थन देने के लिए आ रहे हैं, लेकिन महिलाओं की ये पीड़ा थी कि सत्ता पक्ष से कोई नहीं आ रहा है। आज हम देख रहे हैं, हमारे साथ में हैं जिले के जुझारू कर्मठशील सहयोगी सहृदय भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू जी, जो इनके पास आए हुए हैं, इन्हें सांत्वना दिए हैं। क्या इनके बारे में इनकी महिलाओं ने मांग रखी है और क्या कहते हैं विवेक बंटी साहू जी, आइए आज हम उनसे पूछते हैं। विवेक बंटी साहू जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि 18 दिन हो गए, 18 दिन बाद मतलब स्टील जलाती धूप में महिलाओं के बीच में सत्ता पक्ष से पूरे प्रदेश में कहीं नहीं आया, हमारे छिंदवाड़ा जिले में आप आए, ये बहुत अच्छी बात है। इनकी पीड़ा बताएं और इनकी मांगों के बारे में बताएं। कुछ बहनें मेरे पास आई थी, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था इनके कार्यक्रम में, तो मैं आया हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व वाली सरकार है, इन्होंने सभी कर्मचारियों पर दशा दिशा और जीवन स्तर सुधारने का काम किया है। आपने देखा 2003 के पहले जब कांग्रेस की सरकार थी क्या स्थिति थी, इनको क्या पैसा मिलता था और आज क्या मिलता है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कार्य कर रहे हैं और अभी बड़ा चुनौतीपूर्ण वाला समय है। अभी कोविड काल से हम लोग गुजरे हैं, 2 साल लॉकडाउन रहा, व्यवसाय बंद रहे, सरकार को टैक्स नहीं मिला, बहुत सारी स्थितियां सरकार के खिलाफ थी कि जो हमारी सरकार ऐसी परिस्थिति में बनी कि जब कांग्रेस ने भ्रष्टाचार करके पूरा मध्य प्रदेश का खजाना खा दिया, चाहे 2003 में देख के पहले देखें या अभी 2020 के पहले जब कांग्रेस की सरकार 15 महीने की रही। लेकिन उस चुनौती को जूझते हुए एक तो खराब व्यवस्था कमलनाथ जी करके चले गए थे, उसके अलावा दूसरी चुनौती एकदम सरकार बनी कोविड की थी, उस कोविड की चुनौती से निकलते हुए आगे आज हम लोग अच्छा कर रहे हैं। और ये सभी बहनों का बहुत बहुत आंगनवाड़ी बहनों का मैं उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया, अपने प्राणों की चिंता किए वगैरह काम किया है, ये लोग धन्यवाद की पात्र हैं। रही इनकी कुछ मांगे हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भावनात्मक मुख्यमंत्री हैं, वो प्रदेश की बहनों के भाई बन के काम कर रहे हैं, जरूर इनकी मांग पर वो मांगों को पूरी करने का प्रयास करेंगे और जो भी उचित हो सकता है उचित। ये थे हमारे साथ में विवेक बंटी साहू जी भाजपा के जिलाध्यक्ष, जिनका कहना यह है कि कोरोना काल में जो परिस्थितियां गुजरी है सारी स्थिति रही है। अब महिलाओं से पूछते हैं अपन कि आप बताएं सत्ता पक्ष से, आपका कहना हमेशा था कि सत्ता पक्ष से कोई नहीं आ रहा, सत्ता पक्ष से अभी भाजपा के जिलाध्यक्ष आए हैं प्रतिनिधि के रूप में, क्या कहना है आपका? हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बंटी भी आज हमारे बीचों में उपस्थित हुए। बहुत खुशी हुई हमें कि कम से कम उन्होंने हमारी बहनों की सुध तो ली। हमें उम्मीद है कि हमारे माननीय महोदय जी भी जल्दी उनका ध्यान हमारे प्रति आकर्षित होगा और हम बहनों की मांगों को पूरा करेंगे। ये था मतलब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की जिलाध्यक्ष सविता ठाकुर जी, जिनका कहना है कि सत्ता पक्ष से मतलब इतने दिनों बाद, 18 दिनों बाद ही सही, लेकिन भाजपा सरकार के प्रतिनिधि के रूप में विवेक बंटी साहू भाजपा जिलाध्यक्ष यहाँ पहुँचे हैं। हमारे साथ में है संगीता नांदेकर जी, बताइए आपका क्या कहना है इस बारे में? जी नमस्कार, मैं ये कहती हूँ कि
थे जो पार्टी की तरफ से हमारे बीच में जो नेता आए हैं बंटी भैया जी, हमें उम्मीद है कि वो हमारी मांगों को सीएम महोदय तक जरूर लेकर जाएंगे और सीएम महोदय के द्वारा हमारी मांगों का निराकरण होगा ही होगा, हम विश्वास करते हैं। चलिए, इनका कहना था कि मतलब सीएम प्रतिनिधि के रूप में मतलब बंटी साहू जी आए हैं, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? नमस्कार सर, मैं ये बोलना चाहती हूँ क्योंकि वो हमारे जिला के लाडले जिला अध्यक्ष हैं, तो हम चाहते हैं कि वो हमारी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री जी, क्योंकि इस समय मुख्यमंत्री जी हमारे महिला बाल विकास के मंत्री जी हैं, तो हमसे उनको ये उम्मीद है वो हमारी बात जरूर सुनेंगे, हमारे जिले के लाडले जिला अध्यक्ष हैं तो हमारी बात उनके तक। चलिए, इन्हें उम्मीद है कि इनकी बातें जरूर सुनी जाएगी। हमारे साथ में है कोषाध्यक्ष बुलंद आवाज़ नारी शक्ति संगठन की अर्चना जावरकर जी, जो पिछले मतलब 3-4 दिनों से हम जब कवरेज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उनका मतलब आक्रोश देखते ही बनता है। उनका कहना था कि नगर निगम वहां पोषण आहार वितरित कर रही है, उनके पास सूची नहीं होने के बाद में और सत्ता पक्ष से कोई लोग नहीं आ रहे हैं, अब इस परिस्थिति में आपको क्या उम्मीद लग रही है? थोड़ी उम्मीद जागी हुई है कि जो हमारे भैया है अध्यक्ष बीजेपी के अध्यक्ष है, वो हमारी बात हमारे मुख्यमंत्री जी तक ले जाएंगे, शायद वो उसमें विचार करें और हम बहनों के बारे में कुछ सोचें। चलिए, इनका कहना है कि मतलब सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू जी आए हैं, तो एक उम्मीद की किरण जागी है कि हमारी मांगे अब वहां तक पहुंचेगी। देखना होगा छिंदवाड़ा के अलावा मध्य प्रदेश में भी सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कोई पहुंचे, इनकी मांगे सरकार तक पहुंचे और इनकी मांगे पूर्ण हों। 22 अप्रैल के लिए छिंदवाड़ा से मैं कृष्ण कुमार भट्ट।